कोरोना वायरस महामारी के बीच दुकानों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेगी। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के बाजारों को संचालित करने की अनुमति है। जारी किए गए दिशा निर्देशों में केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों से केवल जरूरी कामों के लिए ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज और मास्क के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही गई है। हाई रिस्क श्रेणी वाली दुकानों को कम से कम लोगों के संपर्क में आने के साथ दुकान का संचालन करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वो दिशा निर्देशों को लागू करने के संबंध में मार्केट ओनर एसोसिएशन से संपर्क भी करेगा। गाइडलाइंस के मुताबिक दुकानदारों को दुकान खोलने के पहले अंदर की सभी जगहों को सैनिटाइज करना है। इसके अलावा दुकान के उन जगहों को भी समय समय पर सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है जो अधिकांश ग्राहकों के संपर्क में आती है। टॉयलेट, हैंड वॉशिंग और पेयजल स्टेशनों की रोजाना 2 से 3 बार अच्छे से सफाई के निर्देश दिए गए हैं। ओपन स्पेस और लोगों के इस्तेमाल में आई जगहों को भी रोजाना सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।